कोरोना के बढ़ते ग्राफ में मरीजों को रक्त की कमी ना हो, इसको लेकर सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाड़मेर की ओर से मधुकर भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में स्वयंसेवकों के साथ कई अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। दक्ष चिकित्सकों की टीम ने रक्तदाताओं के ब्लड ग्रुप और स्वास्थ्य जाँच कर रक्तदान करवाया। सेवा भारती समिति बाड़मेर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन मधुकर भवन संघ कार्यालय बाड़मेर में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक राजेश कुमार, नगर संघ चालक सुरेंद्र मेहता और सेवा भारती के जिला अध्यक्ष रजनीकांत व्यास की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला सह संघ चालक मनोहर बंसल ने शिविर का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में रक्तदान के लिए शहर के सभी बस्तियों के स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं और सेविका समिति के कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान किया। जिला प्रचारक मंगलाराम ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा कार्यों में हमेशा अग्रसर रहा है। आने वाले समय में 18 से 45 आयु वर्ग के बंधुओं का वैक्सीनेशन होना है और वैक्सीनेशन होने के 2 महीने बाद तक भी ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में संभावित रक्त की कमी को देखते हुए आज यह डोनेशन आयोजित किया गया है ताकि सामान्य ब्लड के लिए भी कमी नहीं आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए और यह आयोजन किया गया है। कोविड 19 महामारी की इस कठिन घड़ी में आरएसएस और सेवा भारती की ओर से कई प्रकार के सेवा कार्य जिले भर में चल रहे हैं। उसी क्रम में गुरुवार को यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें सेविका समिति की बहनों सहित कुल 52 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया।